मंडी में 10 या 15 रुपए प्रति किलो के रेट से प्याज मिला है? आपका जवाब नहीं में होगा। दूसरी ओर महाराष्ट्र में सिर्फ 1 से 5 रुपए किलो के दाम पर प्याज बेच रहे हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किसानों की पीड़ा है, जो 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत से प्याज उगाने के बाद व्यापारियों को 1 रुपए से लेकर औसतन 8 से 10 रुपए प्रति किलो के रेट पर प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं। इसके बावजूद नाफेड ने कुल उत्पादन का सिर्फ 0.7% ही प्याज खरीदा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में 2021-22 के दौरान 3,17,00,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज पैदा होने का अनुमान है, जबकि बफर स्टॉक के रूप में नाफेड ने महज 2.5 लाख टन प्याज की ही खरीद की है, मतलब 1% भी नहीं है, यानी 1% से भी कम है। वो भी 11 से 16 रुपए प्रति किलो के दाम पर ही खरीदा है। किसानों का कहना है कि यह उत्पादन लागत से कम है। उत्पादन लागत 18 रुपए किलो तक हो चुकी है, फिर भी किसानों ने मजबूरी में उसे प्याज बेचा क्योंकि मार्केट में उससे भी कम दाम था। नाफेड बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि पिछले साल नाफेड ने महाराष्ट्र के किसानों को प्याज का दाम 23 रुपए प्रति किलो तक दिया था। आम जनता के लिए पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई बढ़ गई है, लेकिन नाफेड को ऐसा नहीं लगता। शायद इसीलिए उसने इस बार पहले से कम दाम पर किसानों से प्याज खरीदा है। उसने किसानों के जले पर नमक छिड़का है। उनका ये भी कहना है कि जब किसानों को लूटना हो तो अर्थशास्त्र के नियम बदल जाते हैं, जबकि खाद, पानी, बिजली, बीज, कीटनाशक सहित सभी कृषि इनपुट के दाम में इजाफा हो गया है। नाफेड अगर पिछले साल के दाम पर 20 से 25 लाख टन भी प्याज खरीद लेता तो मार्केट की तस्वीर बदल जाती, किसानों को अच्छा दाम मिलने लगता। औने पौने दाम पर प्याज बेचकर किसानों की इनकम डबल होने से तो रही। वहीं आपको बता दें कि हालांकि नाफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर के मुताबिक 2014-15 में तो उनका कहना है कि हमारे प्याज का बफर स्टॉक मात्र 2500 से 5000 मीट्रिक टन ही होता था, यानी किसानों से इतनी ही खरीद होती थी, जबकि अब यह 2.5 लाख मीट्रिक टन हो गया है। नाफेड के पास प्याज रखने की इतनी ही क्षमता है, राज्य सरकार को भी कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वहीं मशहूर अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा का कहना है कि कोई सरकारी या सहकारी एजेंसी किसानों से कितनी उपज खरीद रही है उससे जरूरी मुद्दा ये है कि न्यूनतम दाम फिक्स हो, उससे कम पर खरीदने वालों पर जुर्माना लगे, चाहे वो कोई खरीद एजेंसी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर। वैज्ञानिक तरीके से भी सभी फसलों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाए और उस पर मुनाफा तय करके न्यूनतम दाम फिक्स कर दिया जाए। वहीं देखा जाए तो स्पेन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे कृषि उत्पाद खरीदने पर पेनल्टी है, तो उनका कहना है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं। जब तक कृषि उपज के न्यूनतम दाम की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक खेती और किसानों को संकट से नहीं निकाला जा सकता। वहीं दिगोले का कहना है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने प्याज को लेकर कोई नीति नहीं बनाई है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है। यहाँ देश का करीब 40% प्याज पैदा होता है। लगभग 15 लाख लोग इसकी